कृपया ध्यान दीजिए, 12394 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बेंचालन बनारसा रचित व्लॉग्स। आज हम एक नए तरह का अनोखे तरह का कंटेंट लाए आपको दिखाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बनारस स्टेशन है जिसका नाम पहले मड़वाड़ी हुआ करता था, उसके बाद अब बनारस कर दिया गया है। इधर ही से आगे बढ़कर है DLW जिसका नाम अब BLW हो चुका है। वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रेल इंजन बनाने का काम किया जाता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स पहले था नाम, अब बनारस लोकोमोटिव वर्क्स हो गया है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक अनोखे तरह का वीडियो और कंटेंट आपको दिखाने वाला हूँ, जैसा कि मैं बनारस के लोगों को दिखाता रहता हूँ। और एक चीज़ और धन्यवाद कहना चाहूँगा कि 26,000 से ज़्यादा यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हो चुके हैं और फेसबुक पर 35,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इसी तरह प्यार देते रहिएगा। अब चलिए एक नए वीडियो की तरफ चलते हैं, अनोखा वीडियो। और हाँ, ऐसा ट्रेन पर वीडियो और भी आपको देखने को मिल जाएगी। ट्रेन पर मूवीज़ बनी है द बर्निंग ट्रेन करके, और फिर आप देखते हैं चेन्नई एक्सप्रेस में, लेकिन आज ट्रेन में आपको रेस्टोरेंट दिखाएंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा कि बनारस स्टेशन का नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है हार्दिक स्वागत है बनारस रेलवे स्टेशन के सामने। इधर आप आएंगे, मतलब स्टेशन से बाहर निकलते यात्रियों के लिए भी एक अनोखा रेस्टोरेंट तैयार हो गया है जो कि रेल कोच के अंदर है। ये आप देख सकते हैं, ये रेस्टोरेंट के बाहर का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। और रोड से ये देखिए, ये इधर रोड है और रोड, ये रेलवे आरक्षण केंद्र जो है आप उधर देखेंगे, पूर्वोत्तर रेलवे आरक्षण केंद्र है। ये मेन रोड है, ये देखिए एकदम अनोखे टाइप का रेल कोच पूरा बना दिया गया है किसी एक्सप्रेस की तरह, और इसका नाम भी रखा गया है रेल कोच रेस्टोरेंट आरती इंटरप्राइजेस की तरफ से है। यहाँ पर बैठने के लिए भी इधर बाहर भी सुविधा रखी गई, और अंदर अब चलते हैं बिना देरी किए, आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। दो दिन हुआ है खुले हुए, लोग आना जाना कर रहे हैं। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। ये देख लीजिए पहले कोच पूरा, बुद्ध जी को दिखाया गया है और काशी की जो पहचान है वो दिखाई गई है, आरती दिखाई गई है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और विश्वनाथ, ये काशी विश्वनाथ का शिखर का दर्शन कराया गया है, अशोक स्तंभ सारनाथ का जो नेशनल एम्बलम है, और ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और इधर फिर पूरा घाट दिखाया गया है, इधर पूरा घाट का सीन दिखाया गया। चलिए अब एंटर करते हैं अंदर। एंटर करते ही आपको ये काउंटर देखेगा और इसके अंदर ये पूरा रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोग बैठे हैं, फुल एसी रेस्टोरेंट है, और अभी दो ही दिन हुआ है और दो दिन में आपको इतनी भीड़ देखने को मिली। और ये पूरा ये सिस्टम आप देखिए, जैसे किसी ट्रेन में वैसा पूरा सिस्टम बनाया गया है, और फर्स्ट क्लास एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस टाइप में व्यवस्था दिखाने की कोशिश की गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फैंस लगाए गए हैं, ये लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं। और इधर AC, फुल AC है, और इधर काशी की पहचान को हर जगह दिखाने की कोशिश की गई है। ये नज़ारा आप देख सकते हैं, पूरा रेल कोच दिखाया गया है। और अभी अंदर चल के समझेंगे कि यहाँ पर किस किस तरह के डिश भी मिलते हैं, वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे आप। और यहाँ पर लोग अभी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं एकदम अनोखे टाइप का रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अपने नंबर का भी खाली भी नहीं है, कुछ कुछ चेयर्स पहले से बुक होंगी। अभी चल के मैं समझ लूँगा कैसे बुकिंग हो सकती है, और
खाने पीने की क्या क्या मैनेजमेंट है, क्या क्या व्यवस्था है, वो भी चल के देख लेंगे। कोच है आप देख रहे हैं, और इधर ही किचन, अगर आप किचन भी देख सकते हैं। साफ सफाई तरीके से यहाँ पर बन रहा है, जैसे रेल में पेंट्री होती है वैसे यहाँ पर किचन दी गई है। देख सकते हैं सब कुछ साफ सफाई तरीके से हो रहा है, जैसे रेलवे में पेंट्री होती है कोच में, कोच के बाद लास्ट में से यहाँ पर भी पेंट्री है। तो एक पूरी की पूरी फैमिली आई है, टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी होगी? आठ नौ लोग हैं बच्चे को लेकर, बच्चे को छोड़कर, मतलब टोटल 10 लोग आए हुए हैं यहाँ पर। आइए इनसे भी रिव्यू लेते हैं, कैसा इनको लग रहा है, कैसे आना हुआ, अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम आशुतोष त्रिपाठी है। अच्छा, मैं यही बगल में जानकी नगर का निवासी हूँ। अच्छा, इधर ही? हाँ, मतलब मूलतः बनारसी है। बनारसी। अच्छा, तो कैसे पता चला, आते जाते ऐसे दिखा होगा? आते जाते दिखा था, थोड़ा यूनिक सा लगा था। ये बोगी किस लिए खड़ी है भाई, बहुत दिन से, 1.5 महीने से खड़ी थी। लेकिन 2 दिन पहले हमारे विधायक जी ने इसका उद्घाटन करवाया, सौरभ श्रीवास्तव ने। अच्छा, तो उसके बाद हम बहुत जिज्ञासा था कि चला जाए देखा जाए। आज सब लोग पूरी फैमिली एक साथ हुई। अच्छा, ये देखिए पूरी फैमिली, आपको कैसा लग रहा है मैडम? बहुत अच्छा लग रहा है। यूनिक टाइप का? हाँ, यूनिक। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यूनिक है, बाहर से तो लग रहा है कि ये ट्रेन की बोगी है, बोगी है, बट अंदर से बहुत ही मॉडिफाइड और क्रिएटिविटी इसमें दिख रही है। क्रिएटिविटी है, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन, मैंने बोला ना कि अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ है इस समय, अनोखा है। इधर भी बात करते हैं, आपको कैसा लग रहा है मैडम? बहुत अच्छा लग रहा है, और इनके प्राइजेस भी बहुत रीजनेबल हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई प्राइस वाले ही यहाँ पे आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, बहुत अच्छा है। ये सभी लोग बच्चे बूढ़े, ट्रेन का एक नया वो है कि ट्रेन की फिल्में बहुत बनी है, चेन्नई एक्सप्रेस हम लोगों ने देखी, द बर्निंग ट्रेन देखी आप लोग के समय में, आप लोग देखे होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट है। आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, थीम बहुत ही अच्छा है, और ये और भी जगह होना चाहिए, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आकर के। हम तो हरिद्वार से यहाँ पे आए हैं। अच्छा, आप हरिद्वार से? हाँ, फैमिली मेंबर हैं लेकिन आप हरिद्वार से जा रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, मतलब एक देवनगरी से दूसरे देवालय की तरफ आए हैं? काशी विश्वनाथ आए हैं, दर्शन हुआ? हाँ हाँ, बिल्कुल हुआ। चाचा जी, आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये और अच्छा हो गया है कि हमारे समधी जी यहाँ आए। अच्छा, हम उनको एक नए रूप में स्वागत किया। हाँ, अच्छा, आप भी बनारसी हैं? हाँ, बनारसी हैं, और ये उनका किस्मत कहिए या मेरा किस्मत कहिए कि उनको एक नई चीज़ दिखाने का हमको मौका मिला, काशी नगरी की महत्ता को, कि यहाँ हर तरह से ये किया जा रहा है। आपके संभी है कौन? चलिए संगी की जगह बात कर लेते, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए? मैं देवरिया से आया। अच्छा, वैसे मेरा ये बर्थ प्लेस है। अच्छा, यही बर्थ प्लेस है। 1970 में मैं यहाँ था। अच्छा, 3 वर्ष यहाँ फादर के साथ। अच्छा, ये अच्छा, आप लोगों का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। अच्छा, और अच्छा भी लगा, इसको और बढ़ाइए। पूरी की पूरी एक पूरी ट्रेन बना दी जाए, अभी एक कोच है फिर 2 कोच लगाया जाए हर जगह। वैसे वाराणसी स्टेशन पर भी, कैंट स्टेशन पर भी ये इस तरह का कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो उस पर भी वीडियो जल्दी मैं डालूंगा। तो चैनल, चैनल का नाम बनारसी रचित व्लॉग्स है। ठीक है, बिल्कुल, एक बार इधर से बड़ी हर हर महादेव का नारा जरूर लगा दीजिएगा आप लोग, क्योंकि बनारस में रहे कल, तो एक बार हर हर महादेव का नारा मैं सब पूरे फैमिली से एक बार में लगवाना चाहूँ। पार्वती पते हर हर महादेव। इसका मेन्यू कार्ड आपको दिखाने जा रहा है, ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि रेट किस प्रकार के हैं, जेन्युइन है कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसे आपको रेट लग रहा है। पूरा रेट लिस्ट है आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके पढ़ के बताइएगा। यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है। चलिए आइए,
यहाँ पर मैं देख रहा था कि बहुत अच्छे से लोग एंजॉय कर रहे थे, मैंने सोचा कि एक रिव्यू भी ले लेते हैं कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? वामिका सिंह। अच्छा, कैसे पहली बार आना हुआ है? हाँ जी बिल्कुल पहली बार। हमारे भाई ने देखा कि ये ऑनलाइन चल रहा है तो क्यों ना एक बार विजिट किया जाए, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ के देखते हैं। अच्छा, तो अभी क्या ऑर्डर किया आप लोगों ने? ये ऑर्डर किया है भैया बताओ, चिली पनीर ड्राई। आप लोग बनारस से ही हैं? हाँ जी बिल्कुल, प्रॉपर बनारस। हाँ देखिए, प्रॉपर बनारसी यहाँ पर आ रहा है। अनोखे तरह का वीडियो आपको देखने को मिलता रहता है मेरे पेज पर, मेरे चैनल पर। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव कहिएगा। नमः पार्वती पते महादेव। थैंक यू। रिसेप्शन पर आए हम लोग, इस अनोखे तरह के रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी लेते हैं। कैसे विचार में आया कि अनोखे तरह का रेस्टोरेंट बनाना है? सर, हमें रेलवे ने मौका दिया बनाने का, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ अद्भुत चीज़ बनाया जाए जिससे कि जनता जो देश जो पूर्वांचल में रह रहे हैं वो आकर्षित होकर हमारी तरफ आए। तो हमें ये अवसर मिला तो हम लोगों ने इसको थोड़ा डेकोरेट कराया, आपने जैसे अंदर देखा है बहुत अच्छे से डेकोरेट कराया। और उसके बाद डेकोरेट करने के बाद हम लोगों ने ये सोचा कि अपने अपने जितने स्वादिष्ट खाना दे सके, वेज में, नॉन वेज में, चाइनीज में, सब मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। और हम लोग का इच्छा यही है कि कोई व्यक्ति यहाँ से नाराज होकर नहीं जाए कि अरे यार मैंने अच्छी जगह गया लेकिन वो स्वाद नहीं मिला। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस कुक को मैंने रखा है, जिस शेफ को मैंने रखा है, वो स्वाद अच्छा दे और लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि नहीं जो मैंने खाया है वो अच्छा था और चार लोग को लेके भी आए। बिल्कुल, यही चीज़ हमारी इच्छा अंदर से है कि भाई एक लोग खाए तो चार लोग और आए। किस तरह के डिश मिलते हैं हमारे यहाँ? जैसे देखिए, मेन कोर्स में है आपका कढ़ाई पनीर है, मटर पनीर है, शाही पनीर है, मशरूम के हर वैरायटीज हैं, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सब, साउथ इंडियन सब, इंडियन में तो सभी आता है। वेज और नॉन वेज? वेज देखिए मेरे पास दोनों हैं, वेज नॉन वेज दोनों हैं। लेकिन वेज का, वेज में हम लोगों ने जैसे कि थोड़ा अभी ज़्यादा फोकस किया है और उम्मीद है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये खासियत ये है कि हम लोगों का वेज का कुक अलग है और नॉन वेज का कुक अलग है। हमारे यहाँ वेज के बर्तन अलग हैं, नॉनवेज के बर्तन अलग हैं। अच्छा, मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी की आपने। जैसे बहुत लोगों को होता है कि हमें वेज का चाहिए तो नॉनवेज में छुआ रहे, वो छुआ ना रहे। बिल्कुल सही, ये तो बहुत, ये बहुत अच्छा लगा मुझे भी ऐसा कॉन्सेप्ट कि वेज के लिए अलग बर्तन रखा है और नॉन वेज के लिए अलग रखा है, यानी कि वेजिटेरियन जो आ रहे हैं तो फुल्ली वेजिटेरियन ही उनको मिलेगा, वो कोई टच नहीं आएगा उसमें, कढ़ाई में, चम्मच में उस तरह का टच नहीं दिया जाएगा। अच्छा, और उसके लिए मैंने वेज के लिए अलग कुक भी है और नॉन वेज के लिए अलग कुक भी है, मैंने कुक भी अलग अलग ही रखा है। अच्छा, ये भी देखिए स्पेशलिटी है कि कुक भी अलग रखा है, यानी वो कुक भी अपने हाथ से उनकी दोनों चीज़ों को छू ना ले। और ये बताइएगा कि स्टैंड पार्किंग किधर है? तो पार्किंग स्टैंड बगल में, ये मतलब यहाँ वैलिड है लगाना? यस, यहाँ गाड़ी लगाई जा सकती है जी। आपको पार्किंग मैंने दिखाया है, आप पार्किंग वहाँ पर जाके गाड़ी लगा सकते हैं और एंजॉय करने आ सकते हैं। क्या ऑनलाइन बुकिंग भी है? नहीं, ऑनलाइन नहीं, आप सामने आके यदि आप चाहें आप कॉन्टेक्ट लेके आप बता सकते हैं कि पार्टी वगैरह करनी है तो उसकी सुविधा आपको उपलब्ध करा दीजिए। अच्छा ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना दे दीजिएगा, कार्ड दे दीजिएगा। और क्या प्री बुकिंग होती है? जैसे मान लीजिए किसी को, आप दो दिन चार दिन पहले भी हमें नॉलेज भी डाल देंगे कि हमारे यहाँ 50 लोगों का कार्यक्रम करना है, उसका उपलब्ध है। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है टोटल सीट? देखिए 48 अंदर में है और 36 हम लोगों ने बाहर का भी प्लान किया है करने का, आगे करने का। फिलहाल में जैसे अगर किसी को माने रेल के अंदर बैठने का तो 48 सीट्स अवेलेबिलिटी। अच्छा, और टीटी कब आते हैं यहाँ पर चेक करने? देखिए टीटी तो यहाँ पे हमारे परमानेंट अंदर लगे हैं। अच्छा। सर्वेंट ग्रुप में सब टीटी ही हैं। अच्छा। बस ये है कि टीटी टिकट काटता है और वो बिल लेके अपने मतलब हम लोग के हैं तो वो करता है। अच्छा, एक जानकारी और लेना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई पूरा का पूरा कोच ही बुक करना चाह रहा है तो क्या वो भी सुविधा है? जी सुविधा है उसके लिए, उसके लिए भी सुविधा है। बस ये है कि उसके लिए हमें पहले से वार्तालाप होना चाहिए। हाँ, पहले लोगों के बीच में हमारे उनके बीच में वार्तालाप हो जाने चाहिए, क्योंकि देखिए सब जानता है कि अचानक से हम यदि कोई कार्यक्रम करना चाहे तो नहीं हो सकता, कोई अचानक से हमें दो दिन पहले तीन दिन पहले मालूम लगे सर मुझे आपका पूरा रेल कोच बुक करना है रेस्टोरेंट का, किसी पार्टी के लिए, किसी मीटिंग के लिए, उस सब अवेलेबिलिटी है। तो मतलब पूरा का कोच भी आप बुक कर सकते हैं, बस पहले से आपको इन्फॉर्म करना है, यहां पर आना चाहिए, बताना होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप किसी का बर्थडे है तो वो तो पहले से जानेगा। जी जी, वो तो एक साल एक महीना पहले से भी बुक कर सकता है, एक साल पहले से भी बुक कर सकता है। तो ये किसी प्रकार का भी डिस्काउंट वगैरह भी चलता रहता है या कुछ स्कीम है? अच्छा, अभी 20% 25% चल रहा है। ठीक है, नए कस्टमर्स को लुभाने के लिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है वो अभी शुरू है, अभी बढ़ेगा भी कभी घटेगा भी। चलिए अच्छा है, मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ डिस्काउंट मिलेगा बनारसा रचित ब्लॉग्स के लिए? चलो। तो मेरे व्यूअर्स के लिए भी
क्योंकि स्पेशल डिस्काउंट है, तो जल्दी से आए, फटाक से आए, क्योंकि पता नहीं हो सकता भाव बढ़ जाने के बाद इनके रेस्टोरेंट का भाव भी ना बढ़ जाए। धन्यवाद। तो अभी इस रेल कोच के पूरे ऑनर हैं सर, आपका अपना परिचय, क्या नाम है? वरुण सिंह, प्रबंधक आरती इंटरप्राइजेज। आरती इंटरप्राइजेज, क्या नाम है इस कोच का पूरे? ये रेल कोच रेस्टोरेंट है बनारस रेलवे स्टेशन पर, आरती इंटरप्राइजेज फर्म हमारी है जिस फर्म पे काम अलाट हो रहा है। अच्छा, तो क्या ये मतलब कुछ समय के लिए लीज पर है या फिर लंबे समय तक? रेलवे ने एक टेंडर किया है जी, बेसिकली रेलवे ने जो खराब पड़े स्क्रैप उनके अनयूज के डब्बे थे जो चलन से बाहर हो चुके थे, उन डब्बों को मतलब उन्होंने एक इसका क्रिएटिव सोच के तहत काम किया है कि हम इसको टेंडर करते हैं, कुछ इससे रेलवे के राजस्व में बढ़ावा होगा। तो इन्होंने टेंडर निविदा आमंत्रित की और बोली और पेपरों के आधार पर हमारी फर्म को ही काम मिला। हमारे सामने चैलेंज तो था कि स्क्रैप के रूप में जो ये डब्बे थे उसको इस रूप में डेवलप करना कि लोगों के आकर्षण का केंद्र हो, गुणवत्तापूर्वक हो और लोग एक बार महसूस करें कि हाँ रेलवे की जो भोजन की छवि है वो शायद सामान्यतः बाहर के बड़े जो रेस्तरां हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उससे बेहतर है। अच्छा, कोई पहले से प्री बुकिंग करना चाहता हो पूरे कोच की? हाँ, पूरी वो भी हो सकती है। पूरे कोच के लोग आ रहे हैं, लगभग हमको लगता है कि 15 से 20 दिन के आसपास में तो लगभग रोज़ कोई ना कोई बुकिंग के लिए संपर्क कर रहा है। कब से कब तक ये टाइमिंग है इसकी? ये टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक हम लोग भोजन का ये टाइमिंग चलेगी। लेकिन जैसे आपने पूछा ना कि ये किस तरीके से ये सोच हमारे मन में, देखिए रेलवे का जो हम लोगों ने टेंडर लिया, टेंडर लेने के साथ साथ हमारी स्पेशलिटी ये थी कि इसको दो रूप में चलाना, एक तो शाम के समय जो बनारस के एक अलहर बनारसी होते हैं उनको लगता है कि यार जरा सा घूम ले फिर ले, कुछ अच्छा खाने पीने को मिल जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था करी है कि प्लेटफॉर्म बना करके अभी यहाँ भी हमारी ट्रेवलिंग की व्यवस्था हो जाएगी और अंदर हम लोगों ने एसी के रूप में डेवलप किया है, 48 लोग को हमारे अंदर बैठने की व्यवस्था है और 36 लोग हम बाहर ट्रेवलिंग कर रहे हैं, एक बार में 84 लोग हम बैठा पा रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि रेस्टोरेंट बहुत शहर में है, हमारा ही रेस्टोरेंट क्यों बेहतर है, क्यों भीड़ अदर जगह से हमारे यहाँ आ गए? तो वो एक तो पूरे उत्तर प्रदेश में टेंडर बहुत जगह हुए लेकिन पहला रेस्टोरेंट है जो इसको ओपन हुआ है। तो एक तो आजकल शहर में लोगों ने देखा है ना कि सामान्यतः अब रेस्टोरेंट आप चलाते हैं तो कस्टमर का रुझान उसमें नहीं होता है, लेकिन जब आप थीम बेस्ड रेस्टोरेंट चलाते हैं हाँ। तो लोगों को हम लोगों ने देखा कि लोगों का रुझान वहाँ पर ज़्यादा है। तो एक तो ये थीम ऐसी है कि बनारस में क्या पूर्वांचल में आपको इस तरह के रेल के कोच के रूप में भी नहीं मिलेगा। तो बनारस मेरी जानकारी के हिसाब से वाराणसी स्टेशन पर भी, वाराणसी और सिटी स्टेशन पे खुलने वाला है, भी एक खुलने वाला है लेकिन लगभग वो भी लगता है 3 से 4 महीने समय भी लगेगा। समय लगेगा क्योंकि मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों पर अभी अलाट हुए हैं लेकिन अभी काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम ओपन होने का सौभाग्य बाबा की नगरी में हम ही लोग को मिला। एक जानकारी ये भी देना चाहूँगा कि ये जैसे अभी मुझे भी पता चला कि ये ओरिजिनल कोच है, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया यानी फिर से उसको सुधार किया और ये सुधार आप देख रहे हैं किस तरह का हुआ है, यानी सीट्स जो हैं वो थी एक्चुअल में है? नहीं नहीं, ये सीट्स तो एक्चुअल में जो जैसे 72 सीट्स होती हैं जी, सीट हम लोगों ने कटवा के निकाल के इंटीरियर डिजाइन करके सोफ़ा वगैरह हम लोगों ने अपना रखा। आप अंदर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि हमने जो हमारे सोफ़ा या जो हमारी टेबलिंग का सिस्टम था, हम चाहते तो उसमें एक एक सीट और बढ़ा सकते थे, इतना जगह हमारे पास अभी बीच में बच रहा था, लेकिन हमको ये लगा ना कि शहर के लोग अगर फिर हौच पौच हो हाँ वो सफोकेशन ना महसूस करें, बिल्कुल जो मस्ती के साथ वो अलड़पना के साथ आते हैं कि यार चला बनारस के रूप में कुछ अच्छा खाया पिया जाए, तो वो उनको सफोकेशन ना लगे, इसलिए भी हम लोगों ने इस चीज़ का स्पेस का विशेष ध्यान रखा है। हमारे ट्रेन की बेसिकली 4 खासियत है, ये खासियत यह है कि इस ट्रेन में लोग रेल और जेल का बड़ा नाता होता है, मतलब रेल में अगर आप बिना टिकट चढ़ते हैं तो जेल ही जाना होता है, यहाँ पर आपको सबसे बड़ी फ़ायदा यह है कि आप बिना टिकट यात्रा करेंगे और आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ क्वांटिटी है,
नहीं, यही तो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ आपको ये भी डर नहीं है कि कोई किसान नेता हमारी पटरियाँ उखाड़ देगा और हमारी यात्रा बाधित हो जाएगी। ट्रेन पलटने का भी डर नहीं। हाँ, ये एक दिक्कत है। दुर्घटने का भी डर नहीं है। दुर्घटना नहीं हो, जैसे बर्निंग ट्रेन एक मूवी आई थी। हाँ, तीसरी चीज ये है कि ये भी डर आपको नहीं रहेगा कि कोई आदमी का स्टेशन आ गया और मालूम चला कि वहाँ ट्रेन रुकेगी ही नहीं, वो तुरंत चैन खींच देता है, पुलिंग कर देता है, चैन पुलिंग, वो भी नहीं होगी। मतलब कुछ भी कर लेंगे, आप रहेंगे बनारस में। सबसे चौथी चीज, इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप जहाँ से चलेंगे वहीं पर आप उतरेंगे भी। इस ट्रेन की सबसे अच्छी खासियत है कि आपको जहाँ से आप यात्रा प्रारंभ करेंगे वहीं आपकी यात्रा समाप्त होगी। बनारस से शुरू और बनारस पे खत्म। एक जानकारी और ये भी मैं भी देना चाहता हूँ कि आगे इसके आगे ही बढ़कर DLW है, जिसका अब नाम हो चुका है BLW। DLW यानी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, यानी अब हो चुका है बनारस रेल वर्क्स। तो यहाँ पर रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं रेल के इंजन को बनाने का, रेल के डब्बों को बनाने का भी। तो ये भी एक सौभाग्य की बात है, बनारस की एक ये भी पहचान है DLW, जो कि अब BLW है। चलिए अब वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और हाँ, इससे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है किसी भी तरह का, मैंने इनके ऑनर से किसी भी तरह का पैसा नहीं लिया है, बस एक अनोखी चीज़ आपके सामने प्रस्तुत रखने के लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा।